सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत 240 रुपए होनी चाहिए, हमारे पास 4 माह के रिजर्व है, मसला सिर्फ महंगाई है। उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल की कीमतें कम होने से मसाइल हल हो जाएंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, लाखों अफराद का डेटा हासिल कर लिया है कि वो कितना कमाते हैं, कितना टैक्स देते हैं। मजीद कहा, टैक्स चोरी करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। बड़े लोगों ने कहा कि आपका जो है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास इतने रिजर्व हैं कि 4 महीने की इम्पोर्ट्स के हमारे पास हैं। जब 2018 में जब हुआ था क्राइसिस, उस वक्त हमारे पास 1 महीने की इम्पोर्ट के पैसे भी नहीं थे, उससे भी कम थे। तो वी आर फाइन ऑन दैट फ्रंट, लेकिन महंगाई जो है वो लोगों को हर्ट कर रही है। और किसको हर्ट कर रही है? ये कर रही है अर्बन लोअर मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास। ये वो लोग हैं जो बिजनेस वगैरह जो और जिनकी एग्रीकल्चर में कोई वो नहीं है, उनको हर्ट कर रही है। तो उसके लिए हमने ये पैकेज बनाए। तो अब आप कहेंगे कि जी आउटलुक 2022 को मैं बता रहा हूँ आपको कि वी आर ग्रोइंग एंड इंशाल्लाह वी विल कीप ग्रोइंग। महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। हम्माद अजहर का